नमस्कार जी, कैसे हैं आप? दोस्तों, शंकर भगवान जो हैं हमारे बहुत ही भोले बाबा हैं। अगर इन्हें आप प्रसन्न कर लेते हैं तो जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं दोस्तों, वो दूर होती हैं और आपको जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, 24 नवंबर को प्रदोष है। यदि आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भोले बाबा के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी। शिव जो धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। जटाएं, शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। चंद्र, चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। त्रिनेत्र, जो दोस्तों भोले बाबा के बीच में त्रिनेत्र बना होता है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। शिव की दोस्तों तीन आंखें हैं, इसीलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की ये आंखें सत्व, रज, तम तीन गुणों, भूत, वर्तमान, भविष्य तीन कालों, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोकों का प्रतीक है। सर्पहार, सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तमोगुणी व संहारक है, जीव है जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। त्रिशूल, शिव के हाथ में एक मारक शस्त्र है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। डमरू, शिव के एक हाथ में डमरू है जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्म रूप है। मुंडमाला, शिव के गले में मुंडमाला है जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। छाल, शिव ने शरीर पर व्याघ्र चर्म यानी बाघ की खाल पहनी हुई है। व्याघ्र हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। भसम, शिव के शरीर पर भसम लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भसम से किया जाता है। भसम का लेप बताता है कि यह संसार नश्वर है। वृषभ, शिव का वाहन वृषभ यानी बैल है। वह हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव चार पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं, जो बताता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है, महिमा अपरंपार है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। दोस्तों, भोले बाबा शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को प्रिय 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर इच्छा पूरी करते हैं। तो दोस्तों, 24 नवंबर को दोस्तों रवि प्रदोष व्रत है, तो जरूर जो है भगवान शिव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्व, बिल्व पत्र, आकड़ा, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भसम, रुद्राक्ष, जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से दोस्तों जुड़ा है।
अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिव पूजा में जल का दोस्तों विशेष महत्व है। बिल्व पत्र भगवान के तीन नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र। अतः तीन पत्तियों वाला बिल्व पत्र भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। दोस्तों भगवान के तीन नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र। आंकड़ा शास्त्रों के मुताबिक शिव उपासना में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा भगवान शिव को भोले बाबा को धतूरा भी अत्यंत प्यारा है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैज्ञानिक दोस्तों आधार भी है। भगवान भोले बाबा को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की आवश्यकता होती है जो शरीर को उष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले अलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्वनी कुमारों ने भांग धतूरा बेल आदि औषधियों से शिवजी जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही भोले बाबा को भांग धतूरा बहुत ही प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वड़ाहट भी अर्पित जरूर करें। भांग शिव भोले बाबा हमेशा ध्यान मगन रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वड़ाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसीलिए भांग भी उन्हें अत्यंत प्यारा है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक निगेटिविटी चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से दोस्तों रक्षा करते हैं। कपूर भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कपूर गौरंग करुणावतारम, यानी जो कपूर के समान उज्जवल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में दोस्तों अनिवार्य है। दूध श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय
हानिकारक हो जाता है, इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन ना करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल, चावल को दोस्तों अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग दोस्तों सफेद होता है। पूजन में, आराधना में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी उपासना के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव उपासना पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि उपासना में आवश्यक कोई सामग्री अनुलुप्त हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन, चंदन का संबंध दोस्तों शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिवजी जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान, यश दोस्तों बढ़ता है। इस बात का भी दोस्तों आप ख्याल रखें, चंदन जो है वो एक चंदन आता है मलयाजीत चंदन, उसे घिस कर आपको भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए और उसे अपने माथे पर जरूर लगाएं। बसंत, इसका दोस्तों अर्थ है पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत मनुष्य की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत मनुष्य को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष दोस्तों नहीं रहता। दोस्तों ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसीलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही साथ रहे। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की, तभी उनके नेत्र से जल बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से दोस्तों रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही दोस्तों रुद्राक्ष हैं, और जिसे पहनने से हमें बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप प्रदोष व्रत में क्या चढ़ाएं, जिससे शंकर भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाए। अब मैं आपको पौराणिक व्रत कथा सुना देती हूँ, रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख कर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर
दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपा यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, या बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दलबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की अनुकंपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना सारा जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, अब मैं फटाफट बता देती हूँ कि आपको व्रत की पूजन सामग्री में एक जल से भरा हुआ कलश रखना है, एक थाली आरती के लिए, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद पुष्प माला, आकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री। सभी प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर शिवजी जी की आराधना करना चाहिए।
प्रदोष वालों को इस पूरे दिन निराहार रहना चाहिए तथा दिन भर मन ही मन शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षडक्षार से पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की उपासना का समय शाम को प्रदोष काल में दोस्तों माना गया है, यानी सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले, सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद तक आप जो है पूजन आराधन कर सकते हैं। इस समय पूजा की जानी चाहिए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग जरूर लगाएं। तत्पश्चात आठों दिशाओं में ज्योत जरूर रखें और उन्हें 8 बार नमस्कार करें। इसके बाद नंदीश्वर बछड़े को जल एवं दुर्वा खिलाकर स्पर्श करें। श्री पार्वती एवं नंद केश्वर की प्रार्थना करें। इस दिन प्रदोष प्रतारी को नमक रहित भोजन करना चाहिए। दपी प्रदोष व्रत प्रत्येक दशी को किया जाता है, परंतु विशेष कामना के लिए वार संयोग युक्त प्रदोष का भी दोस्तों खास महत्व है। अतः जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष जरूर रखना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य की सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दोस्तों दूर हो जाती है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।